Well, good morning everyone and welcome to this session. I hope my video and voice is clear. Good morning किंग. चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज हमारे सेशन में क्या है. तो जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप पहली बार आ रहे हैं, सैटरडे वाले दिन ये 11 बजे सेशन होता है, बट आई वॉज बिजी येस्टरडे, तो मैंने आपसे कहा था मैं आज ये क्लास लूँगी. और चलिए देखते हैं, और इस क्लास में हम करेंगे क्या, हम रिवाइज करेंगे पूरे वीक के जो MCQs हैं हमने डिस्कस किए एक साथ, और अपने स्कोर को चेक करेंगे, साथ ही साथ अपना जो सेक्शनल टाइमिंग है उसके लिए प्रैक्टिस भी करेंगे. ठीक है ना, तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए. बस एक जानकारी, मेरा नाम इनम है और चैनल का नाम एम्बिशियस बाबा है, जो कि नीचे लिखा हुआ है. चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरा नाम याद कर लो, और फिलहाल अगला क्वेश्चन आने से पहले टॉपिक जान लो, है ना. तो जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होगा नेशनल न्यूज़. इससे रिलेटेड जितने भी हमने क्वेश्चंस किए थे, चलिए एक साथ ले लेते हैं. तो शुरू हो जाओ फटाक से. तो गुड मॉर्निंग टू ऑल द पीपल जिन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है, और क्वेश्चन पढ़ो. Union Health and Family Welfare Minister has organized a 2-day conclave commemorating Universal Coverage Day 2022 at which of the following city. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस शहर में यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 के उपलक्ष्य के में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है. अयोध्या, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ या नोएडा. चलो देख लें, इसका जो राइट आंसर है वो है वाराणसी. ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अ बिल टू क्रिएट अ सफाई कर्मचारी कमीशन रिसेंटली. निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है. हिमाचल, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार या छत्तीसगढ़. देखें, यस इट इज सी, विच इज असम. आओ नेक्स्ट क्वेश्चन. Which edition of International Film Festival of Kerala has been started as Nisha Gandhi Auditorium in Thiruvananthapuram, Kerala. केरला के तिरुवनंतपुरम में निशा गांधी सभागार के में केरल के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण शुरू किया गया है. 21, 22, 26, 27 या फिर 32. चलिए देखते हैं. सही उत्तर है इसका डी, 27. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. तो फटाफट अपना स्कोर भी चेक करते जाओ. द 9th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस हैज बीन इनॉग्रेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस 19वें संस्करण का उद्घाटन किया गया. ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, आंध्रा या फिर केरला. आइए बात करते हैं. द राइट आंसर इज बी. यस, वेरी गुड किंग, इट्स गोवा. हाँ, आओ अगला क्वेश्चन. विच कंपनी हैज कमीशन्ड इट्स 3rd विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट ऑफ कंबाइंड ऑपरेशनल जनरेशन कैपेसिटी वर्थ 450 मेगावाट एट जैसलमेर इन राजस्थान. किस कंपनी ने राजस्थान के जैसलमेर में 450 मेगावाट की संयुक्त परिचालन उत्पादन क्षमता के अपने तीसरे पवन सौर हाइब्रिड बिजली संयंत्र की शुरुआत की है. रिन्यू पावर, टीपी रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एनटीपीसी लिमिटेड, अदानी ग्रीन एनर्जी. चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या लगाया है. अदानी, यस इट इज अदानी ग्रीन. ठीक है, और अगर आपको लग रहा है हम डिस्कस ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, तो गाइज हमारे पास 70 क्वेश्चंस हैं, एक 1 आवर का टाइम है, और इन सारे क्वेश्चंस को हम बहुत ब्रीफली हमारे डेली सेशन में डिस्कस कर चुके हैं. चलो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ फ्लैग्ड ऑफ इंडिया 6th वंदे भारत एक्सप्रेस बिटवीन विच रूट. तो किन रेल मार्ग के तहत हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 6ठे वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई. बिलासपुर छत्तीसगढ़, मुंबई महाराष्ट्र, बिलासपुर नागपुर महाराष्ट्र, देहरादून उत्तराखंड या टू नई दिल्ली, पुणे महाराष्ट्र से कोची केरला, नागपुर महाराष्ट्र से हैदराबाद तेलंगाना. चलो कुछ सेकंड्स और फटाक से इसका आंसर ले लेते हैं, है ना. आओ, और इसका PDF भी आपको दूंगी, बट एंड ऑफ द सेशन बताऊंगी. तो भैया सही जवाब है बी. क्या लगाया तुमने? हाँ, बिलासपुर टू नागपुर. तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, नागपुर महाराष्ट्र में. आओ नेक्स्ट. तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने लॉन्च किया है सैनिटेशन वर्कर्स के लिए एक डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टेट में, और लॉन्च किया है एक मोबाइल ऐप श्वास. तो आपको मुझे बताना है इस श्वास में W क्या है. ठीक है। चलो तो वेल, वेलफेयर, वर्कर्स वेलनेस या वेलिंगनेस, ये है आपका बी, इट्स वेलफेयर। ठीक है, चलो आइए अगला क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट in partnership with startup Tech Eagle has unveiled Asia's first drone delivery hub and network recently? Startup Tech Eagle के साथ साझेदारी में किस राज्य सरकार ने हाल ही में एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब और नेटवर्क का अनावरण किया है? त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, असम, मणिपुर या मेघालय? क्या लगाया? मेघालय। यस, इट इज मेघालय। ठीक है, तो एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब और नेटवर्क रिसेंटली ये स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, मेघालय की। चलो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है पहला चरण किसका? देखो एक्सक्यूज मी। चलो देखते हैं पहला चरण इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा। चलिए, एयरपोर्ट एट मोपा इन नॉर्थ गोवा रिसेंटली, ही नेम दिस एयरपोर्ट आफ्टर विच पर्सन? तो हाल ही में मोदी जी ने उत्तरी गोवा के मोपा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया है। उन्होंने इस हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा है? मनोहर पर्रिकर, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, शीला दीक्षित या राजीव गांधी? तो अगर हम बात करें किसकी एयरपोर्ट की, तो अभी हाल ही में दोनापोला, जो कि अरुणाचल का एक एयरपोर्ट है, ये भी हाल ही में एक एग्जाम में पूछा गया था। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एयरपोर्ट भी इम्पोर्टेंट है। एंड द राइट आंसर इज ए, इट्स मनोहर पर्रिकर। ठीक है, तो पूर्व सीएम हुआ करते थे, आपको याद होगा, अपनी बीमारी के दौरान भी पार्लियामेंट जाया करते थे, विधानसभा, और अटेंड करते थे सेशन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग हुसैन। अरे एक्चुअली आई एम एलर्जेटिक टू डस्ट, तो डस्ट तो हर जगह है ना, इसलिए। इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल फार्म का उद्घाटन किया गया? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्रा या केरला? आओ देखिए क्या पूछा मैंने। कार्बन न्यूट्रल फार्म इंडिया का पहला कौन सा स्टेट है ये? ई, इट्स केरला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस किंग, बिकॉज मैं अभी फिलहाल तो लखनऊ में हूँ, इतना डस्ट नहीं होता, बट यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इंफ्रा वगैरह का काम आसपास, तो बहुत ज़्यादा डस्ट है, और दिल्ली तो फिर फेमस ही है डस्ट के लिए, है ना। तो हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हर्ष सांघवी, कमलेश मेहता, पटेल नागेंद्र रेड्डी, दुष्यंत चौटाला, मेघना अहलावत? चलो ई, इट्स मेघना अहलावत। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। तो ठंड बढ़ती जा रही है, और अभी तो 1 तारीख हुआ नहीं है, 1 से 15 तक तो एकदम कुल्फी जमने वाली है ना। चलिए, बिकॉज पुणे में इतना ठंडा होता नहीं था, तो आदत थोड़ा ख़त्म हो गया है। आओ, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? भारतीय ओलंपिक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? पीटी उषा, कल्याण चौबे, देन यू हैव गगन नारंग, देन यू हैव राज लक्ष्मी सिंह देओ, अजय एच पटेल। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट, इट्स के वाइस प्रेसिडेंट, इट्स अजय एच पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च्ड द क्लाइमेट चेंज मिशन टू प्रोटेक्ट द नेचुरल रिसोर्सेज इन द स्टेट बिसाइड्स restore them on a long-term basis recently? निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के अलावा उन्हें दीर्घकालिक आधार पर बहाल करने के लिए जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है? किसने? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्रा या तेलंगाना? कुछ सेकेंड्स और और इसका आंसर, हाथ हिलाने का मन ही नहीं कर रहा भाई, आओ द राइट आंसर इज बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन। Union Railway Minister Ashwini Vaishnav has announced a new train Kashi Tamil Sangamam as part of which of the following initiative? केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निम्नलिखित में से किस पहल के तहत एक नई ट्रेन काशी तमिल संगमम की घोषणा की है? इनक्रेडिबल कल्चरल बॉन्ड, अतुल्य सांस्कृतिक बंधन, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, देन यू हैव आज़ादी का अमृत महोत्सव, श्रेष्ठ भारत। आइए बात करते हैं कौन है ये काशी तमिल संगमम, ठीक है, बी इट्स आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। चलिए अगला सवाल, कौन से स्टेट को अवार्ड दिया गया है अपने इनिशिएटिव के लिए? कौन सा इनिशिएटिव? जन आंदोलन, पीपल्स मूवमेंट जिसे कहेंगे, किसके खिलाफ? ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जिसे आप कहते हो। एक नेशनल वर्कशॉप कहाँ पे? ASCM, जहाँ पे ये वर्कशॉप किससे रिलेटेड है? टीबी मुक्त करने भारत से रिलेटेड है, टीबी को भारत को टीबी मुक्त करने से रिलेटेड है, ठीक है, उल्टा बोला मैंने। चलो, तो त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, असम, मणिपुर, मेघालय, तो ये तो हम कई बार बात चुके हैं। इंडिया का जो टीबी एंड करने का टारगेट है वो क्या है? 2025। और उसी की अगर इसी की बात अगर हम करें तो WHO का जो SDG गोल्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसके तहत जो टीबी को एंड करने का गोल है वो 2030 है, ठीक है। तो हम 5 साल पहले ही कम करने की कोशिश कर रहे हैं। त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, असम, मणिपुर, मेघालय, एंड द राइट आंसर इज अगेन मेघालय, ठीक है, मेघालय, टीबी कंट्रोल। अच्छा, हमने ये ACSM पढ़ा था ना, इसका फुल फॉर्म भी देख लो, एडवोकेसी, कम्युनिकेशन एंड सोशल मोबिलाइजेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The government of India has extended the PM Street Vendors Atmanirbhar Nidhi PM Swanidhi scheme till when? भारत ने PM Street Vendor की आत्मनिर्भर निधि योजना को कब तक बढ़ा दिया है? दिसंबर 23, दिसंबर 24, जनवरी 24, जनवरी 25 से जनवरी 24। तो एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है और गवर्नमेंट स्कीम में अगर देखें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बी इट्स दिसंबर 2024। तो आपको याद होगा मार्च 2020 के दौरान ये स्कीम चलाई गई थी। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं या जो सड़क पे ठेले वगैरह छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं उनके लिए स्कीम थी, ठीक है। तो शुरुआती दौर में 10,000 का लोन था, अगर आप वो पे कर देते हो तो आपको 20,000 का लोन दिया जाएगा, 20,000 अगर आप पे कर देते हो तो अब आपको 50,000 का लोन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पे बैक भी करना होगा। तो ये 3 चरणों में ये वितरण है लोन का। चलो, 5th edition of the Mujeris Biennale, the country's largest contemporary art exhibition, began in which of the following city? देश की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी मुजेरिस बिएनाले का 5वां संस्करण निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू हुआ है? वाराणसी, नई दिल्ली, कोची, अहमदाबाद या मुंबई। इसका सही उत्तर है सी इट्स कोची, ठीक है। चलो आ जाओ। Which state forest department has launched वनीकरण project to restore natural vegetation? किस राज्य ने वन विभाग के प्राकृतिक वनस्पति को बहाल करने के लिए वनीकरण परियोजना शुरू की है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्रा या केरला। आइए देखते हैं, वनीकरण है ये ई केरला का, ठीक है। चलो, इसे कहाँ किया जा रहा है? सुल्तान बाथरी फॉरेस्ट रेंज, कहाँ? वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। किसने इनॉग्रेट किया है पहला चरण, फर्स्ट फेज समृद्धि महामार्ग, जो कि कनेक्ट करेगा नागपुर और शिरडी को और कवर करेगा कितना डिस्टेंस? 520 किलोमीटर। अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी या अमित शाह। यह है सी तुम्हारा मोदी जी, ठीक है। फिर है, कौन सा एडिशन काठमांडू अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन फिल्म फेस्टिवल का हाल ही में काठमांडू नेपाल में आयोजित किया गया? 10वां, 15वां, 20वां, 25वां या 27वां? 10, 15, 20, 25, 27। ये है बच्चे आपका 20th एडिशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसका आंसर दो फटाक से, ये तो मैंने बहुत जोर शोर से बताया था और याद भी होना चाहिए। विच स्टेट हैज अप्लाइड फॉर अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर द फेमस बेपुर उरु बोट रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य ने प्रसिद्ध बेपुर उरु के लिए भौगोलिक संकेत टैग के आवेदन के लिए आवेदन किया है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्रा या केरला? तो ये है आपका बच्चे ई, इट्स केरला। बेपुर उरु ये एक बोट है, ठीक है, लकड़ी से बनी, हाथ से बनाया जाता है, 1 से 4 साल लगता है इसको बनाने में। और ये है आपके कुछ और हाल फिलहाल में जो हमने जीआई टैग डिस्कस किए थे। ठीक है, इंडिया में वी हैव 432 जीआई टैग्स, वेरी गुड, 432 जीआई टैग्स हैं भारत में। हाँ, एक और जीआई टैग वाला क्वेश्चन अभी पढ़ेंगे हम, पढ़ो अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी हैज इनॉग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 12 नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ 44,453 करोड़ रुपीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में 40,453 करोड़ रुपए की 12 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्रा या केरला? तो नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर, और ये है आपका ई, ई बोले तो केरला। ठीक है, केरला में देखो आज कई क्वेश्चंस अगर आप नोटिस करो तो केरला में काफ़ी चीज़ें हुई हैं, तो अगर आप जब आप पढ़ते हो PDF वगैरह से तो अपना नोट डाउन भी करते जाया करो कि इस स्टेट के बारे में हमने ये चीज़ें पढ़ ली हैं। ठीक है, और मैं आपको समय समय पे डेटा भी देती रहती, बट उसके लिए आपको रेगुलर रहना पड़ेगा बच्चे। और फिलहाल एक और जीआई टैग, ठीक है, देखो क्या है। द गवर्नमेंट हैज ग्रांटेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग टू गमोचा रिसेंटली। गमोचा इज द प्रोडक्ट ऑफ विच स्टेट? सरकार ने हाल ही में गमोचा को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया है। गमोचा किस राज्य का उत्पाद है? तो हिमाचल, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार और छत्तीसगढ़। तो इस गमोचा, इसे हम अपने यूपी बिहार में गमछा कहते हैं और बेसिकली है वही, बट असम में इसे गमोचा कहते हैं। एंड द राइट आंसर इज सी, इट्स असम। ठीक है, तो ये आप इसको देख भी सकते हैं, मेरे पास है, मैंने उस दिन भी बताया था ना तो प्राउडली बोल रही हूँ, मेरे पास है। चलिए, अच्छा इसके अलावा एक और देखो, तंदूर रेडग्राम तेलंगाना का, इसको भी दिया गया है अभी। और एपीक्रॉट एक फ्रूट होता है, इसे दिया गया है, ये लद्दाख का है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और नीचे आपका हाल फिलहाल के जो जीआई टैग्स हैं जो हमने पिछले 2, 3, 4 महीने में पढ़े हैं वो हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has chaired the 32nd meeting of the board of the directors of the National Horticulture Board in नई दिल्ली recently? हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के निदेशक मंडल की 32वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, सर्बानंद सोनोवाल या अमित शाह? तो यहाँ मोदी जी नहीं है, यहाँ नरेंद्र सिंह तोमर है। ठीक है, चलिए आ जाओ अगला क्वेश्चन। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नाम क्या है उनका? भारती प्रवीण पवार। इन्होंने इनॉग्रेट किया है नेशनल मैटरनल हेल्थ वर्कशॉप किस शहर में? बेंगलुरु, नई दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद या मुंबई? चलिए इसका आंसर लें। द राइट आंसर इज बी, इट्स नई दिल्ली। ठीक है, आ जाओ इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ, देख लेते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ से रिलेटेड हमने कौन कौन से क्वेश्चंस किए हैं आज। हाँ बिल्कुल, मॉर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए Which of the following countries signed a joint declaration of intent with India on migration and mobility between the two countries? ठीक है, तो हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने दोनों देशों के बीच प्रवास और गतिशीलता पर भारत के साथ एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? मालदीव, मॉरिशस, यूएसए, इरिट्रिया और फिनलैंड? तो थोड़ा बहुत न्यूज़ देखते रहा करिए, चाहे मोबाइल हो या अगर टेलीविजन है तो दूरदर्शन, बार बार बोलती हूँ मैं, सबसे बढ़िया चैनल है, सिर्फ मतलब की चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी। और अभी 2 दिन से मेरा न्यूज़ उतना देखना नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, तो थोड़ा मुझे भी ऑकवर्ड लग रही हैं चीज़ें। तो जैसे ही मेरा यहाँ बताने का मकसद ये है कि जितना आप बीच में गैप करते हैं उतना पीछे होते जाते हैं। तो मैं 2 days बैक चल रही हूँ उस समय, ठीक है। तो क्या मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया है? बिल्कुल पढ़ा है और आंसर है ई, इट्स फिनलैंड, ठीक है। चलिए, तो फिनलैंड ने साइन किया है भारत के साथ ये माइग्रेशन और मोबिलिटी डिक्लेरेशन या अग्रीमेंट। फिर विच बैंक हैज़ अप्रूव्ड फाइनेंसिंग ऑफ 780 मिलियन का ये फिनेंस किसने अप्रूव किया है, किस लिए? बिल्ड करने के लिए नई लाइंस, चेन्नई मेट्रो रेल और इम्प्रूव करने के लिए जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है बस की और फीडर सर्विसेज, ठीक है। वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, देन यू हैव एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। चलो देखिए, द राइट आंसर है सी, इट्स एशियन डेवलपमेंट बैंक। 780 मिलियन का लोन है, ठीक है। और इसी बात पे आप ये रिविजन भी करेंगे पिछले कुछ लोन्स का भी, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द 7th एडिशन ऑफ द नेवल स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज, चलो ये हमने यहाँ लगा दिया, संगम हैज बीन हेल्ड इन गोवा, इंडियन नेवी हैज डन दिस एक्सरसाइज विद विच कंट्रीज नेवी। तो संगम एक्सरसाइज 7वां एडिशन गोवा में हो रहा है, किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया, रशिया, जापान, यूएस या फ्रांस। तो किस देश के साथ भारत ये एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहा है? आओ देखते हैं, द राइट आंसर इज डी, इट्स यूएसए। तो याद रखिएगा ये संगम एक्सरसाइज यूएस के साथ, अगर एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन आएगा तो यूएस वाली ही आना है जहां तक है, ठीक है। तो 7वां एडिशन है, इंडियन नेवी के मार्कोस और यूएस नेवी के सियर्स, ठीक है। चलो अच्छा, कुछ और एक्सरसाइजेज हैं यूएस के साथ, रेड फ्लैग, टाइगर ट्रैम्प, युद्धाभ्यास, वज्र प्रहार। युद्धाभ्यास तो भूलना ही नहीं है, ओली उत्तराखंड में भी हुई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट जीटी फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्यूटीज मीटिंग शेड्यूल टू बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑन 13 से 15 दिसंबर, हो चुकी है 13 से 15 दिसंबर के दौरान। G20 और सेंट्रल बैंक डिप्टी मिनिस्टर, केंद्रीय बैंक के डिप्टी की बैठक कौन से शहर में? तो आपको बताना है बेंगलुरु, नई दिल्ली, गुवाहाटी, अहमदाबाद या मुंबई। तो सही जवाब है ए, इट्स बेंगलुरु, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, बेंगलुरु G20 फाइनेंस ट्रैक भारत का 1 दिसंबर से शुरू हो गया है। G20 अधिवेशन नहीं, माफ कीजिएगा, प्रेसिडेंसी 1 दिसंबर से, और 1 दिसंबर से एक चीज और क्या शुरू हुई है, भारत की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 1 month की प्रेसिडेंसी, ठीक है। और 1 जनवरी से क्या शुरू होना है, भूलना नहीं है, वासेनार का प्रेसिडेंसी 2023 के लिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिनके बारे में ध्यान रखना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च अरब बिल्ड लूनर स्पेसक्राफ्ट राशिद रोवर। तो अलग से मैंने इसके क्लास भी लिया था, राशिद रोवर किसका है? इनमें से ईरान, इराक, यूएई, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया। तो जापान की मदद से और स्पेसएक्स की मदद से छोड़ा गया है। आओ देखते हैं, द राइट आंसर इज सी, इट्स यूएई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देख सकते हैं इसे फ्लोरिडा से छोड़ा गया है और डिलीवर्ड बाय हुकोतो आर लैंडर, जो कि किसका है? जापान का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवेश हमें लग रहा है आप पीछे चल रहे हैं, आपको सेशन को लाइव करना पड़ेगा। विच कंट्री हैज फॉर द फर्स्ट टाइम इमर्ज एज अ टॉप ऑयल सप्लायर टू इंडिया रिप्लेसिंग ईरान इन नवंबर 2022? ये तो सबको पता है। तो ईराक नहीं भैया, हमारी पटती नहीं ईरान से। इराक को किसने रिप्लेस किया है और भारत का टॉप ऑयल सप्लायर बन गया है? सऊदी अरेबिया, यूएस, रशिया या ईरान या यूएई? चलो, द राइट आंसर इज सी, इट्स रशिया, ठीक है। हाँ, फर्टिलाइजर में भी टॉप किया है रशिया ने, फर्टिलाइजर का भी जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं उसमें भी रशिया से टॉप हो गया है इंपोर्ट हमारा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज मेड सोलर पैनल्स मैंडेटरी फॉर न्यू होम्स टू बी बिल्ड आफ्टर 2025? निम्नलिखित में से किस शहर ने 2025 के बाद बनने वाले घरों के लिए सोलर पैनल अनिवार्य कर दिया है? नई दिल्ली, बर्लिन, पेरिस, टोक्यो, लंदन। बर्लिन में कल कुछ हुआ है आई सपोज, हाँ आज सुबह ही पढ़ा, एक ह्यूज एक्वेरियम है वो ब्लास्ट हो गया और जो भी एक्वेटिक एनिमल्स उसमें थे तो ऑब्वियसली डिस्ट्रक्शन हुआ होगा, ठीक है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट एक्वेरियम, आओ बढ़ते हैं, द राइट आंसर इज डी, टोक्यो, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स हैव रिमूव्ड, किसको हटा दिया है यूनाइटेड नेशंस मेंबर ने, यूनाइटेड नेशंस विमेन राइट्स ग्रुप से हाल ही में। तो ये भी सबको पता होना चाहिए, ईरान, इराक, यूएई, सीरिया, सऊदी अरेबिया। तो आप जान रहे हैं वो ड्रेस कोड को लेके, एक पर्टिकुलर वेयरिंग अटायर को लेके यहाँ पे विरोध चल रहा है। एक फिट टू ईयर की आपकी महिला है, इनकी मृत्यु भी हो गई थी इसके चलते हुए, जिसके बाद पूरे विश्व में सपोर्ट मिल रहा है। और ये देश कौन सा है, ईरान, इट्स ए। तो इसको यूनाइटेड नेशंस वुमेन राइट्स ग्रुप से हटा दिया गया है, बिल्कुल सही, बिकॉज वहाँ पे फीमेल्स को सेकेंड सिटीजन कंसिडर किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यस वेरी गुड देवेश किंग। आओ, Which of the following country has passed a new anti-smoking law recently? काश भारत ने भी हो सके। निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में एक नया धूम्रपान विरोधी कानून पारित किया गया? ऑस्ट्रेलिया, रशिया, जापान, यूएस, न्यूजीलैंड, ठीक है। तो कहने को तो बिहार में शराब बंद है, बट बिहार में अभी आपने देखा है अप्रोक्सीमेटली 80, कोई 70 से 80 के बीच में अलग अलग चैनल्स कह रहे हैं डेथ्स हुई हैं, है ना। चलिए आओ, इट्स यस इट इज ई, न्यूजीलैंड, वेरी गुड, ठीक है। तो बच्चे जब आप रेगुलर रहते हैं और आपने रिवीजन किया होता है और आपको आंसर पता होता है तो इजी ही होता है, ठीक है। चलिए, यूके, फ्रांस और यूएई ने अपना सहयोग जताया है किस चीज़ के लिए? इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की। आपको बताना है यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर क्या है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की फिलहाल 1 महीने की प्रेसिडेंसी भारत के पास है, 1 दिसंबर से शुरू हुई है, ये एक अलग चीज़ है। हमें परमानेंट मेंबरशिप चाहिए यूएनएससी की, ठीक है। तो नेहरू जी के समय यूएनएससी ने कहा था ले लो परमानेंट मेंबरशिप, नेहरू जी ने कहा नहीं हमें नहीं चाहिए, आप हमारे पड़ोसी देश चाइना को दे दीजिए, और उसी का खामियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं, है ना। चलिए, तो लुसियाना, जिनेवा, ज्यूरिक, न्यूयॉर्क या वॉशिंगटन डीसी, यस वही तो दिक्कत है ना, हमने उनको सपोर्ट किया था, ठीक है। चलिए, द राइट आंसर इज डी, इट्स न्यूयॉर्क। पूछा क्या है बच्चे मैंने, हाँ, हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशंस का न्यूयॉर्क में, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यही तो दिक्कत आ रही है कि वो है परमानेंट मेंबर और वीटो पावर यूज कर लेता है और हम पीछे रह जाते हैं। और अभी आपने देखा है तिलमिला के तवांग में हमला भी किया उसने, है ना, ठीक है, आएगा उसका वक्त भी, आएगा गिरेगा। देन ग्रुप ऑफ 7 मेजर इकोनॉमीज अलॉन्ग विद नॉर्वे एंड डेनमार्क हैज अप्रूव्ड अ डील टू अप्रूव विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विद $15.5 बिलियन टू हेल्प द साउथ ईस्ट एशियन नेशन मूव फास्टर फ्रॉम कोल टू रिन्यूएबल एनर्जी। नॉर्वे और डेनमार्क के साथ 7 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह के ने निम्नलिखित में से किस देश को $15.5 बिलियन अमरीकी डॉलर प्रदान करने के लिए समझौते को मंजूरी दी है, जिसे दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों को कोयला, बिजली से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ने में मदद मिलेगी? इट्स फिलीपींस, इंडोनेशिया, इंडिया, ताइवान या वियतनाम। चलो, द राइट आंसर इज ई, जब हम परमानेंट मेंबर हो जाएंगे तब, ई, इट्स वियतनाम। चलो आ जाओ, फाइनली ये टॉपिक खत्म हुआ और अब हम बढ़ते हैं अपॉइंटमेंट्स की तरफ। देखो जरा अपॉइंटमेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं। किसे अपॉइंट किया गया है? एमडी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का, राजीव वर्मा, राजेश वर्मा, राजीव कुमार, दीक्षित जोशी, आर के गुप्ता, मिनी सी शाह। तो थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है। द राइट आंसर इज ई, यस वेरी गुड, इट्स मिनी सी शाह। हाँ, चलो 18वां चीफ मिनिस्टर गुजरात का सबको पता है, संगीता पाटिल, भूपेंद्र पटेल, विजय रूपाणी, आचार्य देवव्रत, हर्ष सांघवी दोबारा से रीइलेक्ट हुए हैं, और ये हैं भूपेंद्र पटेल, ठीक है। चलो, भूपेंद्र पटेल सेकेंड लगातार इनका टेन्योर। आचार्य देवव्रत ने शपथ दिलाई है, फिर देखो जस्टिस दीपांतर दत्ता को शपथ दिलाई है सुप्रीम कोर्ट के नए जज डीवाई चंद्रचूड़ ने। ठीक है, समझ गए। आपको बताना है अब इस शपथ के बाद जो ज्यूडिशियल स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की वो कितनी हो गई है। तो सर्वोच्च न्यायालय की वर्तमान न्यायिक शक्ति कहाँ तक पहुंची है? 28, 30, 31, 34, 36। ठीक है, द राइट आंसर इज वेरी गुड, इट इज 28। ठीक है, आ जाओ। किसे अपॉइंट किया गया है अध्यक्ष? कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का 23-24 के लिए एक सालाना मीटिंग या एनुअल मीटिंग चेन्नई में जो हो रही थी। वीजे सोमानी, ईश्वरा रेड्डी, देन यू हैव पीबीएन प्रसाद, देन रविकांत शर्मा या पीसी रथ। आओ देखते हैं कुछ सेकंड्स और। तो किंग, देवांश और देवेश भी है। चलो, द राइट आंसर इज ई। यस, वेरी गुड, इट्स पीसी रथ। ठीक है, आओ। फिर है जेरेमी फरार हो गए हैं और अपॉइंट हो गए हैं न्यू चीफ साइंटिस्ट कहाँ? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और ये रिप्लेस किसको करेंगे? रणदीप गुलेरिया, गीता गोपीनाथ, इकबाल धलीवाल, सौम्या स्वामीनाथन या अंशुला कांत। The right answer is D. It's सौम्या। ठीक है, वेरी गुड। आओ WHO। और ये हाल फिलहाल के कुछ अपॉइंटमेंट्स है, ये आप PDF से रिविजन करेंगे जो कि मैं आपको दूंगी सेशन के बाद। कौन बना है नया MD और CEO? अशोक लेलन का। ठीक है, तो जब आप ट्रक का पीछा करते हैं तो हर ट्रक जो होता है वो उस पर लिखा होता है, यूजुअली हमने अशोक लेलन के देखे हैं। तो शेनु अग्रवाल, जय कुमार, सामेद, विनीत कुमार, अरुण कुमार सिंह या अनंत गोयनका। आओ देखें क्या लगाया है भाई। यस, शेनु अग्रवाल, वेरी गुड। आओ, तो शेनु अग्रवाल और ये किसको रिप्लेस करेंगे? विपिन सोढ़ी को। और इन्होंने कुछ पर्सनल रीजंस के चलते हुए 2021 में पद छोड़ा था। चलो, फिर अमेरिकी फर्नीचर रिटेलर है पॉटरी बार्न, इसने अपॉइंट किया है किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर प्रमोट करने के लिए? अंतर्राष्ट्रीय एक्सपेंशन भारत में इस कंपनी का बहुत महंगा है। दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, सनी लियोनी, अनुष्का शर्मा। ठीक है, देखो तो जरा गाइस, हमें लगता है आज तो कतर फाइनल है ना, किसका? फीफा का। और मैडम गई होंगी वहां ट्रॉफी अनवील करने, है ना दीपिका मैडम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन बना है फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO फेडरल रिजर्व बैंक न्यूयॉर्क का? सुष्मिता शुक्ला, संजय खन्ना, नलिन नेगी, एन कल्लासेल्वी या विजय जसूजा। हाँ, तो भारत तो अर्जेंटीना के साथ ही है ना। आइए देखते हैं, हमने तो अभी एक भी मैच नहीं देखा, हाइलाइट्स तक नहीं देखी जब से हम लखनऊ आए हैं। द राइट आंसर इज ए, सुष्मिता शुक्ला। क्या लगाया है इस आंसर? अभी इसका आंसर नहीं आया है। हाँ बच्चे, कोई बात नहीं, इधर आ गया होगा। सुष्मिता शुक्ला, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। ठीक है, आ जाओ। नहीं, ये अपॉइंटमेंट है ना, तो इसलिए यहाँ पे रखा है। नेक्स्ट इज बैंकिंग फाइनेंशियल न्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज प्रिंटेड द फर्स्ट बैंक नोट, जिसे आप करेंसी नोट भी कहेंगे, विद 2 वुमेन सिग्नेचर? निम्नलिखित में से किस देश की किस देश ने 2 महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट या मुद्रा नोट छापा है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया, रशिया, जापान, US या चाइना। तो किंग देवेश, द राइट आंसर इज डी, USA। ठीक है, आ जाओ। RBI ने साइन किया है करेंसी स्वैप अग्रीमेंट किस मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ अंडर सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क? मालदीव्स, बांग्लादेश, ऊपर नीचे बोल दिया, भूटान, मॉरिशस, श्रीलंका। हाँ जी, बिल्कुल सही, ये तो मैंने बताया नहीं। $1 और $5 का नोट है जिसपे उन दोनों महिलाओं के सिग्नेचर्स हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर RBI वाले का विच इज B, मालदीव्स। ठीक है, रिटेल इन्फ्लेशन इंडिया में काफ़ी दिन के बाद कम हुआ है, इजी हुआ है नवंबर के दौरान, और 6.77 से जो कि अक्टूबर में था नीचे आया है। कितना हो गया आपको बताना है, 6.66, 6.30, 6.0, 5.80, 5.88। तो आरबीआई का एक स्लैब है कह लीजिए या लिमिट है 2 से 6 की, तो अभी तक 6 से ऊपर चल रहा था और पहली बार 2 से 6 के बीच में आया, हालांकि बहुत माइन्यूट सा है बट स्टिल आया, तो विच इज ई 5.88%। ठीक है, बीच में एक बार रिफ्रेश जरूर कर लिया करो, तो एक आइडिया लेने के लिए ये पीछे पिछले मंथ्स का मैंने डेटा दिया है, एक आइडिया ले लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारे पास 70। ठीक है, याद रखना किसने जीता है, ये क्वेश्चन यहाँ कैसे आया, किसने जीता है गोल्ड विमेन्स एयर पिस्टल 65th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कंपटीशन पिस्टल इवेंट भोपाल में। तो भोपाल में आयोजित महिला एयर पिस्टल 65वें राष्ट्रीय निशानेबाज चैंपियनशिप में पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है। दिव्या रुद्राक्ष इलेवनल वेलारिवान, अपूर्वी चंदेला या अंजलि भागवत। आओ देखते हैं जरा कौन है भाई, गोल्ड इतने मिल गए हैं हमें तो याद ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है ना, चलो विमेन्स एयर पिस्टल 65th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप। आ जाओ, ये क्वेश्चन यहाँ गलती से लग गया था। अकॉर्डिंग टू कॉमर्स मिनिस्ट्री डेटा, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन नवंबर मंथ में हिट किया है 21 मंथ का लो, यानी सबसे कम पिछले 21 मंथ में, और रिड्यूस होके कितना हो गया है फ्रॉम 8.39 जो कि अक्टूबर में था, और अब कितना हो गया आपको बताना है, 7.85, 6.85, 5.85, 4.85, 6.515। तो देख लेना हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस है डेटा में, अभी हमने 5.88 किया और ये 5.85 है। ठीक है, आओ, तो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया है नया गारंटीड फॉर्च्यून प्लान नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग स्कीम। ठीक है, बजाज अलायंस, भारती एक्सा, चोलामंडलम, मैक्स लाइफ, कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस। ई कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस, वेरी गुड। तो कौन से बैंक ने अभी अप्रूव कर दिया है कि वो डिस इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है, विनिवेश करेगा अपनी जो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है कितनी 98.57% की टोटल इक्विटी जो शेयर कैपिटल है किसमें, नैनीताल बैंक लिमिटेड में। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, बॉब, HDFC या केनरा बैंक। यस, वेरी गुड देवेश। बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर भी अवार्ड केनरा बैंक को हाल ही में मिला है, जो कि ऑस्कर होता है, मैं कई बार बता चुकी, जो कि अगर आप बैंक का एग्जाम दे रहे हैं तो याद भी रखना है। एंड द राइट आंसर इज सी, बैंक ऑफ बड़ौदा। अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लिए जाए। तो किस मूवी को नॉमिनेट किया गया है 2 कैटेगरी में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में, जो कि जनवरी 2023 में हो रहा है। तो एक तो सॉन्ग है वो, तो हम लोग तो नाचो नाचो पढ़ते, बट आई थिंक वो नाचू नाचू है, शायद वो वहाँ लोकल लैंग्वेज है, हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं इस सॉन्ग के लिए। और दूसरा था बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म कैटेगरी के लिए। ठीक है ना, KGF, RRR, पुष्पा, रंगा और दंगल, तो बताने की जरूरत ही नहीं है। BBB, इट्स RRR। ठीक है, RRR है ना, तो रिवाइज करना है, रिविजन करना है और रेगुलरली ये प्रक्रिया फॉलो करनी है। ये हमारा R3 है, ठीक है ना, भूलना नहीं। चलो, और देखते हैं, चलो ज़्यादा नहीं बोलेंगे, नज़र लग जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटीज हैज़ बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट पोजिशन इन द कैटेगरी ऑफ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ID जनरेशन ड्यूरिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे एट इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर वाराणसी, उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 के दौरान आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता ID बनाने की श्रेणी में प्रथम स्थान से सम्मानित किया गया है? महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, देन यू हैव जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो बेटा जी ये है जम्मू और कश्मीर। ठीक है, किसे ऑनर किया गया है? प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, अपने कंट्रीब्यूशन के लिए अपनी कम्युनिटी और देश के लिए। वसुधा गुप्ता, राजीव कुमार, कृष्ण वविलाला, आर के गुप्ता, आदिल सुमेरेवाला। द राइट आंसर इज सी, कृष्णा वविलाला। ठीक है, वेरी गुड। इंडियन ओरिजिन के हैं ये, ठीक है। यूएस प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया इन्हें। तो कुछ डिफेंस और साइंस के क्वेश्चंस देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है ये। तो इंडिया और नेपाल के मध्य एक सूर्य किरण एक्सरसाइज हुई है। इंडिया और नेपाल ने स्टार्ट किया है ये, कहाँ पे? नेपाल आर्मी बैटल स्कूल, सालझांडी, नेपाल में। सूर्य किरण एक्सरसाइज पूछा है क्या? विच एडिशन, कौन सा एडिशन हुआ है, संस्करण बताना है। 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 10वां। और यही ट्विस्ट होता है क्वेश्चन, क्योंकि एक्सरसाइज तो लगभग हम याद ही है हम लोगों को, है ना। और ये है बी, 16वां एडिशन है ये, वेरी गुड। और ये कुछ और एक्सरसाइजेस, इन्हें आपको याद करना है, ठीक है। आओ, इंडिया को मिल गए हैं पूरे 36 इंडियन एयरफोर्स वाले राफेल एयरक्राफ्ट विमान, जो कि फ्रांस से खरीदे थे हमने, ठीक है। तो ये फ्रांस का ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, अच्छी सुविधाओं से लैस है, अच्छी मिसाइलों से लैस है, और भारतीय वायुसेना की जो गरिमा है विश्व में और ज़्यादा बढ़ाएगा। और बस हमसे इन्होंने पूछा है डिज़ाइन किसने किया है, किस कंपनी ने? तो एल्स्टॉम, दनोन, दसॉल्ट एविएशन, थेल्स ग्रुप और सेफ्रन एयरक्राफ्ट इंजन। ये है दसॉल्ट एविएशन, इट्स दसॉल्ट, बेटा दसॉल्ट है, ठीक है, फ्रांस की कंपनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। और राफेल कब से चला रहा है विवाद, आप देख रहे हैं। और फाइनली हमें पूरा मिल गया है, पूरी जो क्या कहते हैं 36 पूरे मिल गए हैं। फिर इन्होंने बोला इंडिया और भारत के बीच होती है एक एक्सरसाइज काजिन 22, ये भी बता दिया कहाँ होती है, उमरोई, मेघालय में। आपको बताना क्या है, एडिशन, संस्करण। 6, 7, 8, 9, 10 इसी में तो परेशान हो जाते हैं भाई। ए इट्स 6, किसी में 6 तो किसी में 7। आओ, तो छठा एडिशन कब से कब तक? 15 से 28 तक, तो अभी चल रहा है। स्पोर्ट्स देख लेते हैं इसी बात पे। आओ, तो फीफा का आई थिंक आज फाइनल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लियोनेल मेसी ने कहा है कि फीफा फाइनल उनका आखिरी मैच होगा 18 दिसंबर, हाँ आज ही फाइनल है। और वो किस देश से आते हैं आपको बस बता देना है, बेल्जियम, अर्जेंटीना, स्पेन, पोलैंड या जर्मनी। हाँ जी बिल्कुल, तो हम तो अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहे हैं, और बी अर्जेंटीना से आते हैं ये, ठीक है। तो फीफा कतर में हो रहा है, ठीक है। पहला अरब देश है जो कर रहा है, सबसे छोटा देश है, स्मॉलेस्ट, और सबसे कम वेन्यूज़ पे हो रहा है, 8 वेन्यूज़ पे हो रहा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीम फीफा की कौन सी रही है? ब्राज़ील, फिर जर्मनी। आओ, फिर ब्राज़ील ने जीता है 5 बार। किसे क्राउन किया गया है? विमेन टेनिस एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है। किसका पूछा है? विमेन प्लेयर ऑफ द ईयर, विमेन टेनिस एसोसिएशन ने। बेतरीज हदीद मियाँ, ईगा स्वातनिक, बारबरा, देन कैटरीना सिनेकोवा, जिंग क्विनिन। तो इस साल की सक्सेसफुल प्लेयर रही हैं, इन्होंने अच्छे खिताब भी जीते हैं। ईगा स्वेटिक, ठीक है। और ये देख लो कहां से आती है, ये पोलैंड की है, ध्यान रखना, ठीक है। किसने गोल्ड जीता है 19वें अंतरराष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड, जो कि बोगोटा कोलंबिया में हुआ है? 6, 7, 8, 9, 10 माफ कीजिएगा, कितने गोल्ड जीते हैं भारत ने 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड, जो कि बोगोटा कोलंबिया में हुआ है? 6 गोल्ड जीते हैं। किसने जीता है मेन सिंगल्स टाइटल और हराया है इंडोनेशिया के एंटनी गिंटिंग को सीजन एंडिंग वर्ल्ड टूर फाइनल बैंकॉक में? केंटो मोमोता, आंद्रीज अंतोसन, लोह क्यान यू, तौफीक हिदायत, विक्टर एक्सेलसन। ई इट्स विक्टर एक्सेलसन, वेरी गुड, ठीक है। तो विक्टर एक्सेलसन है मेन सिंगल्स जीता है, और जापान की अकाने यामागुची ने जीता है आपका फीमेल सिंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वो लोग भी हमारे नामों के बारे में ऐसा ही सोचते हैं। तो किसने बनाया है वर्ल्ड रिकॉर्ड और बन गया है फास्टेस्ट डबल सेंचुरी बनाने वाला, किसमें? वनडे इंटरनेशनल में, किसके खिलाफ? बांग्लादेश के खिलाफ। तो नाम बताइए, विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, ईशांत किशन या सूर्य कुमार यादव। तो देवेश, दिव्यांश और किंग। चलो सही जवाब है डी, ईशांत किशन। तो क्रिकेट से याद आया, पहले तो इनको देख लो, है ना, कोई नया चेहरा है तो थोड़ा चेहरा पहचानने में टाइम लगेगा, है ना भाई, हम थोड़ा सा स्पोर्ट्स कम देख पाते हैं, ठीक है। तो क्रिकेट से याद आया, अर्जुन ने भी आई थिंक गोवा से रणजी में डेब्यू कर लिया है और अच्छा खेला है, ठीक है। चलिए, कौन? अर्जुन, अर्जुन तेंदुलकर। किसने जीता है गोल्ड मेडल पेरू पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप लीमा में, ठीक है? मनोज सरकार, सरीना सतोमी, गौरव खन्ना, सुकांत कदम, प्रमोद भगत। वेरी गुड, इट इज सुकांत कदम, ठीक है। चलो फिर टाटा स्टील ने एक एमओयू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एमओयू साइन किया है हॉकी इंडिया के साथ कि वो बनेगा ऑफिशियल पार्टनर एफआईएच हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का। आपको बताना है कौन से स्टेट इसको होस्ट कर रहे हैं, किसको? हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 को। गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्रा, केरला। तो ये स्टेट हॉकी को 2018 से स्पॉन्सर कर रहा है और ये स्टेट है उड़ीसा, नवीन पटनायक सरकार, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर्स, शायद है हमारे पास बुक्स, नहीं आज हमारे पास बुक्स भी नहीं है और इंडेक्स भी नहीं है, ठीक है, हाँ इंडेक्स भी नहीं है, यूजुअली हम होता है, तो मैं जानकारी के लिए मैंने टॉपिक रखा है। डेथ है हमारे पास, चेक कर लेते हैं। सुलोचना चौहान पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 92। वो कौन थी? 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। राइटर, पॉलिटिशियन, सिंगर, जर्नलिस्ट, कंपोजर, लेखक, राजनेता, गायक, पत्रकार, संगीतकार। तो वो थी संगीतकार। फिर जनरल मिरोस्लाव हरमाज़्वेस्की, हाल ही में निधन हुआ, 81 वर्ष की आयु में। एस्ट्रोनॉट थे, किस देश के? अंतरिक्ष यात्री, हाँ। फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस या पोलैंड? इट्स पोलैंड। इस वाले का आंसर पोलैंड है। चलो तो कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं जो हमने डिस्कस किए हैं फटाक से, बस कुछ क्वेश्चंस और सेशन ओवर। ह्यूमन राइट्स डे कब बनता है? मानवाधिकार दिवस 11, 12, 8, 9, 10। सही जवाब ई, चेक करते जाओ, ठीक है, थोड़ा डेज में ना ध्यान देना पड़ता है। नोबेल प्राइज दिवस हम कब मनाते हैं? नोबेल पुरस्कार दिवस 9, 10, 11, 12, 13। तो इस साल का नोबेल प्राइज पूरा लिस्ट याद होना चाहिए, कई बार दे चुकी हूँ 10 दिसंबर, और फिलहाल ये लिस्ट है, आप चेक करिएगा और इसको एक बार पढ़िएगा, ठीक है। यूनिसेफ डे कब मनाते हैं? 9, 10, 11, 12, 13। और देख लें जरा भाई, सी 11 दिसंबर। विजय दिवस, अब ये तो आंसर सबको पता होगा, 14, 15, 16, 17, 18। विजय दिवस हमने कब मनाया? 1971 लिबरेशन की बात हो रही है यहाँ, और ये है सी 16 दिसंबर, ठीक है। तो फाइनली एंड ऑफ द सेशन, और हमने बहुत टाइम से एकदम एग्जैक्ट टाइम पे हमने अपने क्वेश्चंस को ओवर कर लिया, डिस्कस कर लिया है। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे कि पीडीएफ आपको देंगे, आप पीडीएफ से रिवीजन करेंगे, जो चीज़ें आपको लगता है इंपॉर्टेंट है नोट करनी है, अपने नोट्स में नोट डाउन करिए, ठीक है। कल से फिर से फॉलो करिए, मंडे टू सैटरडे 8 बजे, और डेली का जो भी रिविजन आपको लिखना है लिखिए, और मैं आपको वीकली वन लाइनर भी दूंगी, ठीक है, एक क्विक रिवीजन के लिए। और जैसे ही एंड होता है मंथ, आपको 300+ क्वेश्चंस का एमसीक्यू का पीडीएफ दूंगी मैं आपको, पूरे मंथ का रिवीजन के लिए, ठीक है। तो ये एक प्रक्रिया है जिसे आपको फॉलो करना है रेगुलरली, और बिल्कुल विश्वास मानिए, हमारे साथ चलिए, हम आपको इतना कंटेंट देंगे, मेरी करंट अफेयर्स की गारंटी है कि इसकी वजह से आपका कोई एग्जाम रुकने वाला नहीं है, ठीक है। बस एक छोटी सी प्रक्रिया, अगर आपने सुना नहीं है, पहली बार आ रहे हैं, रोज़ाना न्यूज़पेपर जो फॉलो कर सकते हैं, या नोटिफिकेशन आपने लगा रखा होगा अपने मोबाइल पे किसी ऐप का जो न्यूज़ आपको दिखाता होगा, बस एक वो हल्का सा वो देखो। क्लास में आओ 8 बजे, क्लास में एक क्वेश्चन फॉर्मेट में ले लेंगे, फिर PDF से अपना क्वेश्चंस हैं या जो भी आपका इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं डेट वाइज नोट डाउन करो, वीकली रिवीजन करेंगे, PDF से रिवीजन करेंगे और मंथली रिवीजन करेंगे। बस एक छोटी सी प्रक्रिया है। एग्जाम टाइम पे कैप्सूल भी देते हैं एक रिवीजन के लिए, और मैं कई बार आपसे कह चुकी हूँ काफ़ी बच्चे होते हैं एग्जाम टाइम पे एकदम परेशान हो जाते हैं कहीं से कैप्सूल मिल जाए ये वो करके पढ़ ले। बेटा मुझे नहीं समझ में आता है, मैं तो पर्सनली नहीं कर सकती हूँ। 6 मंथ्स का, 4 मंथ्स का, 6 मंथ्स ऑफिशियली आता है और 4 मंथ्स तो आता ही आता है। आप कैसे पढ़ लेते हो वो कैप्सूल 10, 12, 15 दिन, 20 दिन पहले कैसे इतना रिवाइज कर सकते हो? वो तो सिर्फ इसलिए है कि आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, कुछ छूटा छाटा हो तो कैप्सूल से क्विक रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे हमारे अगले सेशन में। बस सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो और रेगुलर रहो। मिलते हैं हमारे अगले सेशन में, तो स्वस्थ रहो।